Chapter 8, A Time to Care. We all are aware of the fact that when natural disasters strike, there is a large-scale destruction. People say that true human nature is also revealed in such trying circumstances. Kindness as well as timely help can save many lives and also help the injured to recover as they gradually resume a normal life. हमें सबको ही पता है कि जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स मतलब जो नेचर की तरफ से ही डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनो इरप्शंस, ये सब कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स में आते हैं. उस वक्त में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है लाइफ का, लोगों की एंड प्रॉपर्टी का. उस टाइम में लोगों का जो ट्रू ह्यूमन नेचर होता है, इंसानी भाव जो होता है, लोगों का नेचर जो होता है, असल इंसान उस वक्त में कैसा है, वो इस टाइम में ही पता चलता है. क्योंकि काइंडनेस एज वेल एज टाइमली हेल्प कैन सेव मैनी लाइव्स एंड ऑल्सो हेल्प द इंजर्ड टू रिकवर. जो काइंडनेस है, जो दयालुता होती है और टाइमली जो हेल्प होती है, वो बहुत सारी जानें बच सकती हैं और बहुत लोग जो इंजर्ड हो चुके होते हैं काइंडनेस की वजह से. अगर ह्यूमंस अपना ट्रू बिहेवियर, ट्रू काइंडनेस दिखाएं उस वक्त में, तो उन लोगों को भी बचाया जा सकता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एंड रीड द स्टोरी, कि स्टोरी में क्या दे रखा है. It was 4 a.m. when disaster struck Sohanpur. Tarun woke up with a start as his bed shook violently. He ran out with his parents as the ground beneath his feet and the entire house trembled. सुबह के 4 बजे थे जब डिज़ास्टर मीन्स अर्थक्वेक सोहनपुर में आया. तरुण जो था वो फटाफट उठा, जैसे ही उसे लगा कि उसका बेड जो है इट इज़ शेकिंग सीवियरली, वायलेंटली मीन्स सीवियरली, वो फटाफट से भागकर अपने पेरेंट्स के पास गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पैरों के नीचे ये जो ज़मीन है वो बहुत हिल रही है. इट इज़ ट्रैम्बलिंग एंड द इंटायर हाउस इज़ ट्रैम्बलिंग. द डोर्स एंड विंडोज रैटल्ड एंड द हाउसेज ऑल अराउंड देम फेल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स. डेस्परेट शाउट्स एंड क्राइज ऑफ डेस्परेट पीपल फिल्ड द एयर. द ब्रिज नियर देयर हाउस ऑल्सो क्रीक्ड अंटिल इट क्रैश्ड इनटू पीसेस एंड फेल इनटू द गशिंग रिवर वाटर अंडरनीथ. और जितने भी घर थे आसपास के, ऐसा लग रहा था इट इज़ अ पैक ऑफ कार्ड्स. पैक ऑफ कार्ड्स मतलब कि जैसे पैक ऑफ कार्ड्स का घर बना देते हैं, कार्ड्स का ऐसे ही जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्लेइंग, उसकी तरह से घर गिर रहे थे बिकॉज ऑफ द शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थक्वेक में यही होता है, अर्थक्वेक मीन्स द शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट. जब ज़्यादा ही बड़े लेवल पे अर्थक्वेक आ जाता है और अर्थ क्रस्ट बहुत ज़्यादा शेक करने लगती, हिलने लगती है, तो उस पर जो घर बने होते हैं और भी कोई प्रॉपर्टीज बनी होती हैं, वो सब क्रैक होकर गिर जाती हैं. तो घर इसी तरह से, देवर ऑल लुकिंग लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स फॉलिंग, गिर रहे थे इस तरह से, और लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें सब जगह से आ रही थी. एंड इट फिल्ड द एयर. जो उनके घर के पास एक ब्रिज था वो भी क्रैक होकर फाइनली इट फेल डाउन इनटू द रिवर. जो उसके नीचे नदी बह रही थी उसमें क्रैक होकर वो भी ब्रिज गिर गया. मैनी पीपल मैनेज टू स्केप वाइल मैनी ऑफ देम वर कॉट अनअवेयर्स बीनीथ द रबल. अनअवेयर का मतलब सडनली, अनअवेयर्स मीन्स सडनली, रबल मीन्स वेस्ट ऑफ रफ पीसेज ऑफ स्टोन, मतलब जो मलबा होता है, रबल इज अ मलबा हियर. बहुत लोग अपनी जान बचाने में वहाँ से कामयाब रहे, स्केप मतलब वहाँ से भाग जाना, निकलने में, लेकिन कुछ लोग जो थे उस मलबे के नीचे दब भी गए. तरुण्स फैमिली वॉज सेफ एंड हिज हाउस वॉजेंट डैमेज्ड मच. इट सडनली स्ट्रक तरुण दैट हिज फ्रेंड्स जॉन एंड नादर मस्ट ऑल्सो बी इन ट्रबल. ही रैन टूवर्ड्स देयर हाउसेज, हिज पेरेंट्स फॉलोड हिम. ही शाउटेड जॉन नादर वेयर आर यू. तरुण की फैमिली जो थी वो सेफ थी क्योंकि उनका घर उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था. अचानक से तरुण को याद आता है कि उसके फ्रेंड जॉन और नादिर वो भी परेशानी में हो सकते हैं, दे मस्ट बी ऑल्सो इन ट्रबल. तभी वो उनके घर की तरफ भागता है और उसके पेरेंट्स भी उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करते हैं, और वो बाहर से ही चिल्लाता हुआ जाता है, जॉन नादिर वेयर आर यू. ही वॉज रिलीव टू सी जॉन एंड हिज फैमिली नियर देयर गेट. John, what about Nadir? Tarun asked. उसे relief means tension free. उसे थोड़ा सुकून मिलता है John और उसकी family को अपने gate के पास देखकर. तभी वो John से पूछता है कि what about Nadir? वो कहाँ है? Nadir के बारे में क्या?
Let us run and look for him. They rushed towards Nadir's house and their parents also joined them. तभी तरुण कहता है न जॉन से कि चलो उनके घर की तरफ चलते हैं, और फिर वो फटाफट भागकर नादिर के घर की तरफ जाते हैं और उनके पेरेंट्स भी जॉन और तरुण हैं। नादिर्स हाउस वॉज पार्टली डिस्ट्रॉयड बट दे हर्ड मफल्ड वॉइसेस ऑफ नादिर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। नादिर का जो घर था वो पार्टली मतलब वो आधा डिस्ट्रॉय हो चुका था। मफल्ड मीन्स सॉफ्ट एंड नॉट क्लियर। अंदर से नादिर और उसकी फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ें आ रही थी जो कि बहुत धीमी धीमी आवाज़ थी एंड क्लियर वॉइसेस नहीं थी। मफल्ड का मीन्स सॉफ्ट एंड नॉट क्लियर, ये धीमी और साफ नहीं। हेल्प पुल अस आउट की आवाज़ आ रही थी कि दे वर आस्किंग फॉर हेल्प कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। इज़ देयर समबडी आउट देयर, क्या यहाँ पर कोई है। तरुण एंड जॉन्स पेरेंट्स स्टार्टेड टू रिमूव द रबल एज क्विकली एज दे कुड। तरुण सेड नर्वसली आई होप दे डोंट गेट सफोकेटेड। तभी तरुण और जॉन के जो पेरेंट्स हैं वो फटाफट से वहाँ से मलबा जो है घरों का मलबा वो हटाना वहाँ से शुरू करते हैं, और तरुण बहुत नर्वस होके बहुत टेंशन में होके चिंतित होकर कहता है कि आई होप कि वो लोग सफोकेटेड ना हो जाए। सफोकेटेड का मतलब होता है सांस लेने में परेशानी, कॉज टू डाई फ्रॉम लैक ऑफ एयर और इनएबिलिटी टू ब्रीथ, सांस ना ले जाने लेने की वजह से कहीं वो मर ना जाए। सो वी हैव टू बी क्विक। द बॉयज ऑल्सो ज्वाइन इन रेस्क्यूइंग नादिर एंड हिज फैमिली। वेरी सून द थ्री बॉयज वर टुगेदर विद देयर पेरेंट्स। हमें इसलिए जल्दी जल्दी से यहाँ से मलबा हटाना है, और वो दोनों बॉयज़ भी अपने पेरेंट्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ से मलबा हटाने के लिए, और बहुत जल्द ही वो नादिर और उसकी फैमिली को वहाँ से निकाल लेते हैं। दे ऑल हग ईच अदर एंड क्राइड। नादिर सैड वी आर ऑल अलाइव एंड सेफ, इट इज़ ट्रूली अ मिरेकल। तभी वो तीनों आपस में हग करते हैं एंड रोते हैं। नादिर कहता है कि हम सब लोग जिंदा हैं और सेफ हैं, ये एक चमत्कार से कम नहीं। मिरेकल मीन्स चमत्कार। We all hid under the wooden dining table before the roof came crashing. Suddenly John pulled Tarun. Look, there are many others who are injured. तभी नादिर बताता है कि हम सारे लोग जो थे वो wooden dining table के नीचे छुप गए थे जैसे ही हमारे घर की छत नीचे गिरी। तभी suddenly John तरुण को खींचता है और कहता है वहाँ देखो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चोट आई है। those who are injured, many are still under the rubble, let's go and help them। बहुत सारे लोग जो हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, चलो चलते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तरुण जॉन एंड नादिर विद देयर फैमिलीज गॉट डाउन टू सीरियस रेस्क्यू वर्क विद इन अ फ्यू आवर्स। दे वर जॉइंड बाय अदर्स एंड हैड सेव्ड लाइव्स ऑफ मैनी पीपल बोथ यंग एंड ओल्ड। तरुण जॉन नादिर तीनों की फैमिलीज फटाफट लग जाती हैं उन लोगों को भी वहाँ से रेस्क्यू कराने में, निकालने में जो लोग दबे हुए थे मलबे के नीचे, और बहुत जल्द ही बहुत सारे लोग वहाँ पर उन लोग को ज्वाइन कर लेते हैं दूसरे लोगों को बचाने के लिए। By afternoon, help arrived and several relief camps were set up. Government officials and many army men arrived with food, water and medicines. The three friends continued to help others. दोपहर तक हेल्प आ गई थी, बहुत सारे रिलीफ कैंप्स वहाँ लगते हैं जहाँ पे कोई भी डिज़ास्टर होता है, जिन लोगों के घर की तबाही हो चुकी होती है वहाँ गवर्नमेंट की साइड से कुछ कैंप्स भेजे जाते हैं जो लोग कैंप लगाते हैं वहाँ पर और खाना और बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन वगैरह फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। और बाकी जो तीनों दोस्त थे जॉन, नादिर और तरुण, वो सबको हेल्प करने में लगे हुए थे। नादिर्स फादर वॉज अ हार्ट पेशेंट, ही फेल्ट सीवियर पेन इन हिज चेस्ट। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कैंप इन चार्ज अरेंज्ड फॉर अ हेलीकॉप्टर सो दैट ही कुड बी टेकन टू अ नियर बाय टाउन फॉर इमीडिएट मेडिकल हेल्प। कैप्टन जसविंदर सिंह फ्रॉम द आर्मी इंश्योर्ड दैट नादिर्स पेरेंट्स लेफ्ट सेफली एंड क्विकली। नादिर के जो फादर हैं वो एक हार्ट पेशेंट थे, इसीलिए उन्हें अपने चेस्ट में बहुत पेन नेक्स्ट मॉर्निंग फील होता है। तभी जो कैंप का इंचार्ज होता है वो एक हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट करता है ताकि उन्हें एक पास के ही शहर में ले जाकर उनका किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया जा सके। एंड ही वॉज कैप्टन जसविंदर सिंह फ्रॉम द आर्मी, और वो ये इंश्योर करता है, ही मेड श्योर के प्रॉपरली एंड सेफली ऑन टाइम नादिर के फादर को वहाँ से, पेरेंट्स को वहाँ से ले जाया जाए टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। फूड पैकेट्स, बॉटल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स इन द एरिया। वेरियस मीडिया पर्सनल अराइव टू रिपोर्ट द सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एंड अबाउट द रेस्क्यू वर्क गोइंग ऑन।
फूड पैकेट्स, खाने के पैकेट्स, पानी की बॉटल्स, कपड़े, मेडिसिन, सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जितने भी लोग इंजर हुए थे जो उस अर्थक्वेक की वजह से अफेक्टेड हुए थे उनको दी जाती हैं। और बहुत सारे मीडिया पर्सनल, मतलब मीडिया वाले लोग अपनी न्यूज़ के कवरेज के लिए वहाँ आते हैं, लोगों की सफरिंग जो उन्होंने सफ़र किया उसे रिपोर्ट करने के लिए, एंड ऑल अबाउट द रेस्क्यू वर्क जो वहाँ पे काम चल रहा था लोगों को निकालने का, वो सब टीवी पे दिखाने के लिए मीडिया वाले लोग भी आ जाते हैं फॉर देयर रिपोर्टिंग्स एंड कवरिंग्स। मैनी एनजीओज ऑल्सो ज्वाइंड इन द रेस्क्यू वर्क, दोज हु लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस वर टेकन केयर ऑफ बाय अदर्स, एवरीवन न्यू दैट द टाउन वाज डिवास्टेटेड बट दे स्टिल हैड फेथ एंड होप। बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज मतलब जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लोगों के लिए काम करती हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए ज़रूरत के वक्त पे, वो भी उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्प कर रही थी। और जिन लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खो दिया था उन लोगों की देखभाल दूसरे लोगों के थ्रू की जा रही थी। सब लोगों को पता था कि डिवास्टेटेड का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो चुका था पूरे टाउन का, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी, उन्हें फेथ था गॉड के ऊपर। आफ्टर अ फ्यू डेज तरुण सेड आई एम श्योर आर स्कूल वुड बी रिपेयर्ड एंड विल रीओपन वेरी शॉर्टली। जॉन एडेड रिमेंबर कैप्टन जसविंदर सिंह होम वी मेट लास्ट वीक, आई सॉ हिम इंस्ट्रक्टिंग द आर्मी जवान्स टू रिबिल्ड आर स्कूल बिल्डिंग एज टॉप प्रायोरिटी। कुछ दिन बाद हमारा स्कूल भी जो है वो रिपेयर हो जाएगा और हमारे स्कूल खुल जाएंगे। तभी जॉन कहता है कि रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है जो कैप्टन जसविंदर सिंह थे जिन्हें हम लास्ट वीक मिले थे, वो अपने आर्मी जवान्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि सबसे पहले स्कूल की बिल्डिंग को ठीक किया जाए ताकि जो भी बच्चे हैं वो स्कूल जा पाएँ एंड दे शुड गेट देयर प्रॉपर एजुकेशन, उनकी एजुकेशन इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। द रोड्स एंड द ब्रिज आर ऑल्सो बींग रिपेयर, जो रोड्स ख़राब हो गए थे, जो ब्रिज खराब हो गया था वो उसकी भी रिपेयर हो रही थी। तरुण स्माइल एंड सेड गुड, तभी तरुण स्माइल करता है एंड कहता है गुड। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह से कोई भी मुसीबत आने पर इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है, इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए और ये मदद वाली भावना अपने मन में रखना चाहिए।